हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बड़े सुंदर फूल की वीडियो लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा प्लांट हरी सिंगार का प्लांट है जो बहुत सुंदर फूलों के साथ साथ पूजा में यूज किया जाने वाला सबसे अच्छा फूल माना जाता है। इसे पूजा में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और इसकी खुशबू भी बड़ी मनमोहक और बहुत अच्छी होती है। बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं इसके। ये देखिए, मैं नर्सरी से लेकर आई थी छोटा सा प्लांट, सोचा आपके साथ शेयर करूं इसे। ये देखिए, मैंने गमले में लगा के रख दिया है। मेरे गार्डन में ऑलरेडी एक बड़ा प्लांट भी है, बट मैंने सोचा कि इसे गमले में भी लगा के रखना चाहिए। और ये जैसा कि बोलते हैं, ये सीड के साथ ही प्लांट होता है। ऐसा नहीं है कि ये कटिंग और उसके साथ बहुत मुश्किल से हो पाता है, सीड के साथ इजी टू ग्रो हो जाता है। और इसके फूल बहुत प्यारे होते हैं, सितंबर से दिसंबर के बीच में फूल खिलते हैं इसके। और इसके नाम भी कई ज़्यादा हैं, पारिजात, सफालिका, हरी सिंगार तो आप जानते ही हैं, सफाली, कुछ लोग इसे गुल जाफरी भी बोलते हैं। ये देखिए, मैंने लगा दिया है ये छोटा सा प्लांट, और ये पूजा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सूरज निकलने से पहले इसके फूल तोड़ लेने चाहिए पूजा के लिए। जैसे ही इस पे सूरज की किरणें आती हैं, ये फूल टूट के गिर जाते हैं अपने आप। तो आपने देखा होगा पौधे के नीचे कितने ज़्यादा फूल बिखरे होते हैं, एकदम कारपेट जैसा दिखाई देता है। और खुशबू तो बड़े बड़े दूर तक पहुंचती है। अगर कहीं आसपास से भी आप निकल रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि पास में हरसिंगार का पेड़ है। और इसकी लीव्स जो होती हैं थोड़ी रफ होती हैं, छूने में थोड़ी हार्डी सी लगती हैं। और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इजी टू ग्रो प्लांट है। और सॉइल भी नॉर्मल रखनी है और सैंड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल जो सॉइल होती है वही काफ़ी होती है। ये देखिए, इसके फ्लावर्स कितने प्यारे हैं, पूरे एक बंचेज में निकलते हैं, 8-10 फ्लावर होते हैं एक बंच में। और बस इनका यही है कि ये ज़्यादा चलते नहीं हैं, रात को खिलते हैं फ्लावर और सुबह टूट के गिर जाते हैं। इसके पीछे का जो ऑरेंज कलर की स्टिक होती है वो कलर के लिए भी यूज की जाती है, उससे बड़ा अच्छा ऑरेंज कलर आता है, नेचुरल ऑरेंज कलर होता है। तो उसे फूड में भी आप यूज़ कर सकते हो ऑरेंज कलर के लिए। और इसकी माला बना के भगवान शिव पे चढ़ाई जाती है। ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं। और इसमें क्वालिटी वैरायटी भी दूसरी भी आती है, एक राउंड शेप में होती है, एक थोड़ी ये शार्प होती हैं। और इसे फ्रेग्रेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर इसकी फूल चुन के रख लें सुबह घर में तो पूरे दिन आपका घर महकता रहेगा, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी और बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये प्लांट। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप तक सभी वीडियो पहुँचे इसके लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और शेयर करके सभी को बताएं।